हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेहद पके हुए केलों से बनी हुई ऐसी कुकीज जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और साथ ही में हम इनको स्टोर करके महीनों भर रख सकते हैं और इनको एंजॉय कर सकते हैं खाकर। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इनको बनाने के लिए हमें बहुत ही पके केले, जिनको हम ख़राब समझकर फेंक देते हैं, वो लेने हैं। ये केले मैंने फ्रिज में रखे हैं, इसलिए इनका कलर एकदम डार्क हो गया है। अगर आपको केले ऊपर से काले दिखे तो आप चाकू से इसको निकाल सकते हैं ऊपर से छीलकर। अब एक बर्तन में एक कप गेहूँ का आटा, आधा कप सूजी और आधा कप चीनी लेंगे। अब हम केलों को हाथों से अच्छे से मैश करके इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये केले अंदर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। केले को अच्छे से मैश करके आटे के साथ मिक्स करके हम एक डो रेडी कर लेंगे। डो बनाने के लिए हमें इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। केले के जो मॉइस्चर है, पल्प है, उसी के सहायता से हमारा डो बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ डो बना के हमें रेडी करना है। और ये देखिए, केले में जितना भी मॉइस्चर था उसी से पूरा डो बन चुका है। अब इस पर हम 2-3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हो ताकि जो डो है बिल्कुल स्मूथ बन के रेडी हो। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, 1 चम्मच कोकोनट पाउडर और 1 चम्मच वाइट तिल लेंगे और इसको डो के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन वाइट तिल आप ज़रूर डालिए क्योंकि वाइट तिल से कुकीज़ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इन सभी को अच्छे से डो के साथ मिक्स कर लेंगे। ये कुकीज़ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। अब हम अपने हाथों पर ऑयल लगा लेंगे ताकि डो चिपके नहीं। अब हम इस डो से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। पीसेस सारे एक साइज के होंगे और हाथों से गोल गोल घुमाते हुए उसको प्रेस कर देंगे, बीच में दबा देंगे और उसको कुकीज़ का शेप दे देंगे। और इस तरीके से कांटे वाली स्पून से हम इसमें डिज़ाइन बना देंगे कुकीज़ का। ये देखिए, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना है। और इसी तरीके से हम सभी कुकीज़ रेडी कर लेंगे और स्पून से इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, ये डिज़ाइन बहुत ही देखने में अच्छी लगती हैं। और इसी तरीके से हम सारी कुकीज़ रेडी कर लेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने रखा है मैंने। ऑयल गरम हो गया, ये चेक करने के लिए हम थोड़ा सा डो इसमें डालेंगे। और ये डो देखिए, ऑयल में ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने कुकीज़ बनाई हैं उनको ऑयल में डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। जब तक कि ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए हमें इन्हें नहीं पलटना है, क्योंकि गर्म होने पर ये थोड़ा मेल्ट होने लगती हैं, इसीलिए हमें थोड़ी देर इनको पकने देना है। जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाए तब इन्हें स्पून की सहायता से हमें पलट देना है। ये देखिए, नीचे कुकीज़ हल्की ब्राउन हो चुकी हैं। अभी हमें दोनों तरफ इनको और थोड़ा ब्राउन करना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, ना तो ज़्यादा हाई रखेंगे ना ही बिल्कुल स्लो। और दोनों तरफ पलटते हुए हमें ये कुकीज़ पकानी है, फ्राई करनी है। और ये देखिए, दोनों तरफ कुकीज़ बिल्कुल ब्राउन हो गई है, पक चुकी हैं। इनको हम निकाल लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी कुकीज़ बनके रेडी हुई है। और इसी तरीके से जो और हमने कुकीज़ डो की बना के रखी हैं उनको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये कुकीज़ बहुत ही टेस्टी बनती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और प्लीज़ प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ अपनी न्यू रेसिपीज़ ऐसे ही शेयर करती रहूं। और इनको भी दोनों तरफ पलटते हुए हमें फ्राई करना है और जब ये ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल लेना है। अब इनको हम ऊपर से वाइट तिल डालकर गार्निश कर लेंगे। ये कुकीज़ बहुत ही टेस्टी बनी है। आप देख सकते हैं चीनी के दाने ऊपर से दिख रहे हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और ठंडा होने पर आप इनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और महीनों भर, एक लंबे समय तक आप इनको खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं।